भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। वाहे गुरु 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 उतर जाओ वाहेगुरु जी दे विच। हर श्वास दे विच करो कमाई, I do.
बाबूला
गुरमुखे हर पाया, 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 गुरमुखे हर पाया। अकाल मूरत वर पाया बनासी, अकाल मूरत वर पाया बनासी, ना कदे मरे ना जाया, ना कदे मरे ना जाया। गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर तो बाद व्याह संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया। जीव स्त्री का व्याह प्रभु पति दे नाल हो गया। वो कार्य ता मुमकिन हो सकिया सास संगत जे गल गुरमुखे वाली सी। गुरमुखे गुरु दे सन्मुख रहण वाला गुरमुख है, गुरु दी आज्ञा नू सत सत करके मनन वाला गुरमुख है, गुरु नू दरमियाने रख के गुरु दी मत ग्रहण करके तुरन वाला गुरमुख है, गुरु दी कृपा गुरु दी रहमत गुरु दी बख्शिश सदका ए व्या संपन्न होया, संपन्न होया, संपूर्ण होया। सच्चाई ए है सत्संग, अज चौथी लाम तक कोई पहुंचया, मिलाप तक कोई पहुंचया, सहज तक कोई पहुंचे है, हर पाया तक कोई पहुंचे है, ते गुरमुख बन के ही पहुंच सकता है। आखो सतनाम। गुरमुखे ओ
ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਚ, ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਡਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਪੜਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਓ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਚਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਏਦਾਂ ਤੀਜੇ ਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਸਹਿਜ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਖੜ ਗਿਆ। ਹਰ ਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ, ਵਿਆਹ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, 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 ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
आनंद कारज सत्संग ते जरूरी। व्याह संपन्न हो गया चार लावां तो बाद हुण दास दुनियावी विचार भी नाल करन लगा है, क्योंकि पता लगता जाए कि आ जड़ियां लावां संपन्न होईयां इहदे विच गुरमुखे का कितना वड्डा रोल सी, गुरु का कितना वड्डा रोल सी। मैं सच कहना ये लावां तां संपन्न हो सकियां जे विच गुरु बैठे ने, आ तो सतनाम। जे विच गुरु ना हो उस व्याह नूं उस रिश्ते नूं असी कोई नाम नहीं दे सकते। ध्यान देना सत्संग, जे विच गुरु ना हो ते व्याह भी ना होवे। बगैर गुरु तो बच्चा बच्ची दे रिश्ते अगर वह रिश्ता रखते ने, बगैर गुरु तो विच पाया अगर वह रिश्ता रखते ने, ना वह रिश्ता समाज में कबूल है, ना वह रिश्ता मेरे गुरु में कबूल है, तो ना वाहेगुरु में कबूल है। आप सतनाम। यह सच है, जे विच गुरु होणगे, जे विच गुरु होणगे तां बच्चे बच्ची नूं पति पत्नी का खिताब मिलेगा। को सतनाम। तां रिश्ता प्रवान होएगा। और गल ए भी सच्ची है, गृहस्थी नूं निभाण दे विच वी जे गुरु होणगे, जे गुरु की मत होएगी ते उस गृहस्थी नूं सात संगत प्रवान समझिया जाए, वो निखरेगी, वो सवरेगी गृहस्थी। जिस गृहस्थी दे विच सतगुरु जी की मत होएगी, बच्चा बच्ची तां पति पत्नी बन सके जे विच गुरु सन। गुरमुखे वाली गल सी, ते जदों हुण पति पत्नी हो गए, हुण गृहस्थी मिल गई, हुण गृहस्थी बन गई, हुण गृहस्थी बन गए, ग्रस्ती वाला नाम आ गया, तो इन्हां दी ग्रस्ती तां सफल गिनी जाएगी जे अपनी ग्रस्ती दे गुरु दी मत पाणगे जी। आखो सतनाम। गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर गुरमुखे हर पाया। होवा मेरे बाबूला, व्याह होवा मेरे बाबूला, व्याह जब वो सारे साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों तख्त श्री केसगढ़ साहब के स्थान ते सजाए पंज प्यारियां विचों पहले लाडले महान गुरसिख भाई दया सिंह दे नाम ते 1997 विच तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ओट आसरा अते भाई साहिब भाई गुरिकवाल सिंह दी असीस नाल सिख पंथ दी सत्कारयोग शख्सियत अते गुरु घर दे प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई गुरशन सिंह जी ने कुछ सहयोगियों नाल मिलके भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा लुधियाना दी स्थापना कीती। भाई गुरशन सिंह जी दा समुचा जीवन ही सेवा सिमरन मनुखता दे भले नूं समर्पित है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ओट आसरे सदका भाई साहिब जी भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा राही सिखी अते धर्म दा प्रचार करके समूह सिख संगत नूं गुरबाणी अते शब्द कीर्तन राही गुरु चरण नाल जोड़ रहे ने अते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा संदेश घर घर विच पहुंचा रहे ने। सतगुरु जी दी बख्शिश अते संगत तों मिले बडबुल्ले सहयोग सदका भाई गुरशन सिंह जी भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा राही समाज भलाई अते मनुखता दी भलाई लई अहम कार्य कर रहे ने। गुरु साहिब जी भाई साहब जी कोलों 3 हस्पतालां अते 2 अकैडमियां दी सेवा लै रहे ने जो वक्खो वक्खरे इलाकियां विच ने। भाई साहब ते उनां दे सहयोगियां ने सब तो पहला 2004 विच 379 शहीद भगत सिंह नगर पखवाल रोड लुधियाना विखे भाई दया सिंह चैरिटेबल हस्पताल यूनिट नंबर 1 दी शुरुआत कीती। इस तो बाद भाई साहब ने 2007 विच दूसरे हस्पताल भाई दया सिंह जी चैरिटेबल यूनिट नंबर 2 प्रेम विहार टिब्बा रोड
लुधियाना की स्थापना की। इलाका जो कि मेडिकल सेहत सहूलतां तो सखना सी, भाई साहब ने संघ दे सहयोग नाल यह हस्पताल बना के गरीब अते लोड़वंद लोकां लई बहुत ही भले दा कम कीता। इत्थे हस्पताल दे नाल ही भाई दया सिंह जी कंप्यूटर अकैडमी अते भाई दया सिंह जी गुरमत संगीत अकैडमी की स्थापना भी की। इत्थे विशेष करके नौजवान बच्चों नूं गुरबाणी कीर्तन अते कंप्यूटर दे हर तरह के कोर्सां दी विद्या दित्ती जांदी है। इस तरह इस संस्था विद्या दे खेत्र विच दाखिल हुई। भाई साहब ने गुरु साहब की मेहर सदका भाई दया सिंह जी आई एंड डेंटल चैरिटेबल हस्पताल यूनिट नंबर 3 समराला रोड नेड़े समराला चौक लुधियाना की स्थापना 2011 विच की। इन्हां तिन्हां हस्पतालां विच बाकी हस्पतालां नालों बहुत घट रेटा ते सारे इलाज माहर डॉक्टर द्वारा लेटेस्ट मशीन राही किते जांदे ने। इन्हां तिन्हां हस्पतालां विच काफी दवाइयां फ्री भी दित्तियां जांदियां ने। तिन्हां ही हस्पतालां विच जात पात दे भेदभाव तों रहित हर गरीब अते लोड़वंद मरीज दा इलाज किया जांदा है। इन्हां हस्पतालां दा मुख मंत्र भी है जो जी आए सो राजी जाए। इत्थे जिक्र योग है कि भाई साहब जी जिथे सारिया सेवावां संस्था दे मुख संचालक दे तौर ते बिल्कुल निष्काम कर रहे ने, उथे उन्हां दी उपजीविका दा साधन अपनी खुद दी किरत है। भाई साहब जी LIC कंपनी विच इंश्योरेंस एडवाइजर दे तौर ते काम कर रहे ने। आप जी इस कंपनी विच MDRT दी डिग्री प्राप्त कर चुके ने, जो कि लाइफ इंश्योरेंस दे खेत्र विच बहुत वड्डा मुकाम है। सतगुरु जी दी कृपा नाल इस प्राप्ति तो बाद आप जी हेल्थ इंश्योरेंस दे खेत्र विच ही दाखिल होए ने। इस खेत्र विच भी आप जी ने पूरी तनदेही नाल मेहनत करके अपनी महत्वपूर्ण थां बनाई है। घर गृहस्थी चलाउण वास्ते सतगुरु जी दी कृपा द्वारा इन्हां किरतां राही बहुत चंगी आमदन प्राप्त हो रही है। जो भी माया भाई गुरशन सिंह जी दे कीर्तन राही जां होर किसी भी रूप विच कितों भी प्राप्त हुंदी है, उसका एक एक दमड़ा आप जी दी अमानत समझ के इन्हां सारियां सेवावां विच वरत्या जांदा है। इस संस्था नूं हर समय हर घड़ी हर पल आप जी दे निघे प्यार सहयोग अते असीसां दी लोड़ है जी। आप जी इन्हां मनुखता दीआं सेवावां लई अपना दसवंध इन्हां बैंक अकाउंटां विच जमा करवा सकते हो। ये अकाउंट भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा के नाम ते ने। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0642010008 44। RTGS NEFT IFSC ICICI 0000642। दसवंध जमा कराने समय इन्हां फोन नंबरां ते अपने नाम अते पूरे पते दी जानकारी देना जरूरी है, तां कि आप जी द्वारा भेजी गई माया दी रसीद अते सम्मान आप जी नूं भेजा जा सके। इस संस्था दे वधेरे जानकारी प्राप्त करने लई आप जी www.bhaidayasinghji.com अते www.bhaigurshansinghji.com ते विजिट कर सकते हो। जो भी माया आप इस संस्था नूं भेजदे हो उसते आप जी इनकम टैक्स दी धारा 80G दे अधीन छूट प्राप्त कर सकदे। अगर तुहानू ए वीडियो वधिया लगी है तां लाइक करो अते अग्गे शेयर जरूर करो जी।